हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लेसन से एलजेब्रा के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। इस लेसन में हम एलजेब्रा को वेरी बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए या अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम एलजेब्रा को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एलजेब्रा के चैप्टर में। ठीक है, ये जैसे कि इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, रिमाइंडर थ्योरम अलजेब्रा में होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बहुपद क्या होते हैं जिसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं, बहुत सारे व्यंजक होते हैं, बहुत सारे इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन, कार्टीसियन प्लेन, ग्राफ्स, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे स्लोली स्लोली। और इस लेसन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जितनी भी जॉब्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और सभी को इन एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है अगर किसी को नौकरी चाहिए तो अधिकतर एग्जाम्स में क्या होता है, एलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट केवल इतनी होती है कि उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के केस में बाकी स्टूडेंट्स जो कि अदर स्ट्रीम्स के होते हैं, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो लोग भी एग्जाम को देते हैं और इसको क्लियर भी करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है, उसमें कोई भी स्टूडेंट जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो फॉर्म भर सकता है, अपीयर हो सकता है, जैसे कि बीए बायोलॉजी या बीकॉम बीसीए आदि, ये सारे स्टूडेंट्स भी इस तरह के एग्जाम को देते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे स्टूडेंट के मन में एक डर बैठ जाता है एलजेब्रा के लिए या कोई अदर टॉपिक जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का है, जो थोड़ा सेपरेट होता है। अर्थमेटिक तो वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट इन सारे टॉपिक्स के लिए थोड़ा डर बैठ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह के डर को अगर हमें भगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, बिना बेसिक्स पढ़े स्टूडेंट क्वेश्चन को करने लगते हैं और फिर एलजेब्रा या किसी अदर टॉपिक जो इसी तरह का टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे नहीं हो पाते। वो कुछ ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जिनको टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मैथ स्ट्रीम्स के होते हैं बट उनको कुछ कुछ टॉपिक्स अच्छे से समझ नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लेवल तक तो प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। तो इन सब लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आज हम एलजेब्रा को वेरी बेसिक से शुरू करेंगे और इस कोर्स में बाकी लेसन्स में हम एलजेब्रा के एडवांस लेवल तक जाएंगे। एलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे डिस्कस करेंगे और उन पे यूज होने वाली सारी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस कोर्स में स्लोली स्लोली बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि एलजेब्रा क्या है। एलजेब्रा एक्चुअली हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, तो एलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये गणित की या मैथमेटिक्स की एक शाखा है, विच इन विच ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हम लेटर्स का यूज करके, लेटर्स किसे बोलते हैं, जैसे ए बी सी ये सारे आपके लेटर्स हो गए, एक्स वाई जेड लेटर्स हो गए, पी क्यू आर लेटर्स हो गए, और भी लेटर्स यूज करते हैं हम, तो इन सारे लेटर्स का यूज करके हम जो भी काम होते हैं, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अलोंग विद न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स का भी यूज करते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं इनका भी यूज करते हैं और लेटर्स के साथ यूज करते हैं। तो इस तरह की मैथमेटिकल ब्रांच को हम एलजेब्रा बोलते हैं। हिंदी में अगर देखें तो बीजगणित की एक शाखा है जिसमें अंक गणित के, ठीक है, अंकों को का यूज क्या होता है, अंक गणित में होता है। तो अंक गणित के सारे हल हम अक्षरों का प्रयोग करके करते हैं अंकों के साथ। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस क्या होते थे, ऑपरेशंस होते थे जैसे किसी चीज को जोड़ना है, किसी चीज को घटाना है, किसी चीज का गुणा करना है, भाग देना है, यही सारे ऑपरेशंस होते थे। और यही ऑपरेशन हम यहाँ लेटर्स का यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन मैंने दिखाए कि एक्स प्लस वाई अगर होता है तो वाई प्लस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये एलजेब्रा में भी बराबर होता है, x को माइनस x के साथ जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है,
अगर 3 को माइनस 3 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x को माइनस x से जोड़ा गया तब भी 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी अंकगणित के रूल्स थे वो यहाँ पे लागू हो जाते हैं। x इंटू वाई करते हैं तो एक्स वाई आ जाता है, 4 इंटू x करते हैं तो 4x आ जाता है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को z से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बीजगणित क्या होती है, अलजेब्रा क्या होती है। तो अभी हमने सीखा कि अलजेब्रा में जोड़ना होता है, माइनस करना होता है, सारा कुछ होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, बट मल्टीप्लीकेशन में एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि अगर हमारा x इंटू x है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, xx लिखेंगे क्या? ठीक है, जैसे 4 इंटू x था तो इस 4 इंटू x था तो हमने इसको 4x लिख दिया था, बट x इंटू x है तब इसको क्या लिखेंगे? तो इस तरह से हमारी पावर इंट्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं घात। ठीक है, तो जब भी हम x x दो बराबर चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x दो बार है, तो हमारी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो x अगर अकेले लिखा है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाता है। इसी तरह से x इंटू एक्स अगर तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि तीनों में एक एक पावर होगी तो जुड़ के वो 3 हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पावर क्या होती है, पावर किसी एक टर्म में ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि x क्यूब एक टर्म हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में ये जुड़ती हैं और डिवीजन के केस में ये घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन के केस में ही देखा, अब x को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो x की पावर n हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या होता है, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी चीज़ की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे x इंटू x लिखा हुआ है और y फिर से y से भी मल्टीप्लाई किया गया है, y इंटू y, तो यहाँ पे 2x हैं तो x स्क्वायर हो गया, 3y हैं तो y क्यूब हो गया। ठीक है, अब इनको दोनों को क्योंकि ये डिफरेंट है तो इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पावर्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका हो गया कि पावर्स कैसे ऑपरेट होती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं और डिवीजन करते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस हो जाती है ऊपर जाके, तो यहाँ पे क्या होती है एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर, एक्स की पावर 3 माइनस 2, तो यहाँ से सिर्फ x की पावर 1 बचती है जिसको हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से समझ पाना, क्योंकि जब हम बड़े बड़े टर्म्स को लिखना शुरू कर देंगे और उसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, क्योंकि पावर का हम यूज करने वाले हैं, घात का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि डिग्री हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इस घात का हमें काफ़ी यूज होता है और जो कैलकुलेशन होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एलजेब्रा में लैंग्वेज की। ठीक है, तो लैंग्वेज की बात यहाँ पे क्या है कि बीजगणित की भाषा, भाषा से मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में उस तरह के सिंबल आपको दिए होते हैं तो आपको समझना होता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको कभी इक्वल का साइन लगा हुआ है तो क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू बी, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। ए इस तरह का साइन होता है नॉट इक्वल टू बी, तो इसको बोलते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के बराबर नहीं है इसका मतलब होता है। तो ये सब क्वेश्चंस में आपके लिखा होता है, जिसको समझना होता है इसी से आप फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाते हैं। ए लेस देन बी, तो इसका क्या मतलब है, ए लेस देन बी, और ए बी से छोटा है। ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा है। ए लेस और इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब है, ए बी से बराबर है या फिर छोटा है। ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा कि ए बी से बराबर है या फिर बड़ा है। ठीक है, और ये भी आगे साइन है, इसका मतलब होता है कि ए नॉट ग्रेटर देन बी और ए नॉट लेस देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। अब हम अगले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट जिनको हिंदी में अचर बोलते हैं और वेरिएबल्स को हिंदी में चर बोलते हैं, चर संख्याएं अचर संख्याएं। ठीक है, तो अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, कोई भी सिंबल लेटर, ठीक है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू रखता है उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो जिस ऐसा प्रतीक जिसका मान नहीं बदलता है, हमेशा समान ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो जैसे कि जो हमारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, नंबर्स हैं,
वो सारे क्या है, कांस्टेंट ही हैं, क्योंकि उनका मान कभी नहीं बदलता। अगर एक है तो उसका वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, 2.5 है इसकी वैल्यू 2.5 ही रहेगी, 0.8 है इसकी वैल्यू 0.8 ही रहेगी, पाई है उसकी वैल्यू 3.14 होती है तो वो हमेशा 3.14 रहेगी। तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो गए, ठीक है। और जैसे कि ये लेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं कांस्टेंट के केस में, जैसे के यूज कर लिया, सी यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया, ए यूज कर लिया, बट वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू सिर्फ ए ही रहेगी, उसकी वैल्यू की जगह पे कुछ और हम पुट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है कि कांस्टेंट का क्या होता है, कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1x, ठीक है, तो x क्या हो गया, उसका लिटरल फैक्टर हो गया, मतलब उसका लेटर का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता, मतलब उसके उसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल समझ में आती है, सिंपल सी डिफिनेशन थी कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो वही रहती है। जैसे 1, 2, 3, 4 है, इनकी वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4 ही रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं चर की, जिसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अ सिंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसा प्रतीक जिसके कई मान लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको आयत का एरिया दिया हुआ है, एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे जो एल है और वो जो बी है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। अगर हमारी लेंथ 5 हो जाए और ब्रेथ 4 हो जाए तो एक एरिया निकल आएगा, फिर इसके बाद इसी की एल की वैल्यू हम कुछ और ले सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में 3 ले सकते हैं, इसकी 5 ले सकते हैं, तो एल और बी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाते हैं, चर बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि पेरीमीटर हो गई, 4a होती है स्क्वायर की पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे a चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि हम साइड चेंज होती रहेगी, अगर स्क्वायर बड़ा बना दिया, उससे बड़ा बना दिया, तो a की कई वैल्यूज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, a की वैल्यू, a की 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी जितनी साइड होगी स्क्वायर की उतनी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेटर्स होते हैं उनकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करने लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। अगर उनको हम सिर्फ उसी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, उन पे कोई वैल्यू नहीं पुट करते हैं, तो वो उस तरह से क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। और जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है। एक्स की जगह 1, 2, 3 कुछ भी रखते जाएंगे। अगर पूरा देख लें, ठीक है, पूरा एक तरह से व्यंजक है ये, ठीक है। तो व्यंजक अगर पूरा देख लें तो ये क्या है, अब ये वेरिएबल हो जाएगा। क्यों वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू अगर हम चेंज करने लगेंगे तो टोटल 5 प्लस x की वैल्यू बदलने लगेगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 ले लिया तो ये 6 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 ले लिया तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी वैल्यू चेंज करने लगेगा, जैसे ही ये वैल्यू अपनी चेंज करने लगेगा ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। x माइनस 5, जिसमें 5 क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है, बट हम 5 कांस्टेंट है, बट 5 को अगर हम पूरा फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, व्यंजक को पूरा देखते हैं, एक्सप्रेशन को पूरा देखते हैं, तो पूरा एक्सप्रेशन फिर से क्या हो जाता है, ये वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि इसमें x भी है और x कई वैल्यू एज्यूम कर सकता है। यहाँ पे x बाई 5 लिखा हुआ है तो ये एक तरह से फिर से वेरिएबल हो गया। एक्स वाई, इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक्स भी चेंज हो सकता है, वाई भी चेंज हो सकता है, तो फिर ये पूरी तरह से वेरिएबल है। बाकी भी पूरी तरह से ही वेरिएबल थे, 5xy। अब 5xy में अगर हमसे कहा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर है इसका, ठीक है, 5 कांस्टेंट है, बट क्योंकि ये 5xy है इसलिए टोटल चीज क्या हो जाती है, ये वेरिएबल हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। अब अभी हमने बोला कि व्यंजक वर्ड यूज किया, ठीक है, और शुरू में भी हमने व्यंजक के बारे में बोला था। तो व्यंजक क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो एलजेब्रा में कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को यूज करके, वेरिएबल लेटर्स को और कांस्टेंट्स को यूज करके हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको हम व्यंजक बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें एलजेब्रा में देखने को मिलती हैं। तो ये सारी इक्वेशन अगर इनको बोला जाए तो वो क्या बोलते हैं, इनको व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस में जो प्लस और माइनस साइन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनको हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये 4x एक टर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 8x और 3y यहाँ दूसरे वाले में है, तो 8x एक टर्म हो गया और 3y दूसरा टर्म हो गया,
तो अगर हम देखें तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास केवल एक टर्म है, टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, पद, एक पद है, ठीक है। और दूसरे वाले में कितने पद हो गए, दो पद हो गए, तीसरे वाले में तीन पद हो गए, ठीक है, क्योंकि ये प्लस साइन से जुड़े हुए हैं, माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये तीन काउंट करने पे तीन पद हो गए। इसी तरह से यहाँ पे इसमें चार पद हो गए। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि कितने टर्म्स की इक्वेशन है, कितने टर्म्स के एक्सप्रेशन है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू नॉट सेपरेट टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक में जो गुणा का साइन होता है या भाग का साइन होता है वो इनको टर्म्स को, जो पदों को अलग अलग नहीं करता है, ठीक है। केवल प्लस और माइनस से हमारे जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो पद होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, तो इसमें गुणा x का y के साथ गुणा है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स वाई में दो टर्म है, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये एक टर्म है अपने आप में, ठीक है। अब ये प्लस साइन से वाई जेड से अलग है, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि एक्स वाई अलग टर्म है, वाई जेड अलग टर्म है और जेड एक्स आपका अलग टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको हमें आगे क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होता है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो फिर आपको वहां से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कौन सा टर्म है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन में बात की जा रही है। तो ये सब चीजें बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत बेसिक हैं, इनको समझना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें ट्रिक्स और सॉल्यूशंस के बारे में समझना है। अगर हमें इसी एग्जाम्पल में ये लिखने को आ जाए कि इनके टर्म्स लिखो, ठीक है, तो अगर हम पहले एग्जाम्पल में देखें कि टर्म्स क्या है, तो पहले में हमें लिखना हो तो टर्म क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दूसरे में दो टर्म होंगे तो दोनों को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, पहला 8x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, ठीक है। इसके बाद तीसरे पे लिखा जाए तो 7 हो जाएगा पहला टर्म, फिर दूसरा 3x हो जाएगा और तीसरा टर्म -2y² हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो टर्म है अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसको माइनस साइन लेके ही लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में देखते हैं, पहला टर्म क्या हो जाएगा, 5/2x³, 3x² दूसरा हो गया, तीसरा 4x हो गया और चौथा -9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें टर्म्स लिखने पता करना आना चाहिए और टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अभी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे क्या है, अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों के प्रकार, तो ये एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन है। तो मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है। तो टर्म के बारे में हमने सीख लिया, तो जिसका एक ही टर्म हो, जिसका एक ही पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल, एक पदीय व्यंजक, ठीक है। तो पदों की संख्या केवल एक ही होती है, तो जैसे कि 3x इसमें एक ही पद है, -5y एक ही पद है, 12xy² एक ही पद है, 3x/y एक ही पद है, 7x²/3y ये भी मोनोनोमियल है या एक पदीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी किसी में एक वेरिएबल है, किसी में दो वेरिएबल है, जैसे कि xy² इसमें कितने वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल वाला व्यंजक है, ठीक है। इसमें भी x है और y है, तो ये भी दो वेरिएबल वाला व्यंजक है। तो इस तरह से भी पहचानना, डिस्टिंग्विश करना हमें आना चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए, मोनोनोमियल हो गए, एक पदीय व्यंजक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल ये एक तरह का व्यंजक होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि जिसमें दो टर्म होते हैं, द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं, इसमें केवल दो पद होते हैं। तो इसमें जहां पे एग्जांपल देखते हैं, 3x+4y इसमें दो टर्म आपको दिख रहे हैं, 7x² + 2x इसमें भी दो टर्म दिख रहे हैं, 9yz² - 4x² ये भी दो टर्म इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, 3x - 2/3y ये भी इसमें भी दो टर्म दिख रहे हैं, 3x + 4x। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो, 3x + 4x, प्लस का साइन भी लगा है, बट ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 3x + 4x को जोड़ दोगे तो 7x हो जाएगा ना, तो ये एक तरह से एक ही टर्म बचा ना, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये एक ही टर्म है, ये द्विपदीय व्यंजक नहीं है। इसको मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको ये समझाना है, ठीक है, कि ये द्विपदीय व्यंजक नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोनोमियल है। 3x * 4y, अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12xy, तो ये एक तरह से एक पदी ही है, ये मोनोनोमियल है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे
कौन सा मोनोनोमियल है कौन सा मोनोनोमियल नहीं है, बस पहचानना सीखना है। ठीक है, तो हम कैसे मतलब कि पहचान पाएंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि अगर एक ही तरह की दो चीजें हैं जो जुड़ सकती हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है, सिमिलर टाइप के पद जो होते हैं, लाइक टर्म्स जिनको बोलते हैं, अगर वो हैं तो उनको अगर जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उनको जो फाइनली सॉल्व करके जो बनता है उस तरह से फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक टर्म वाला है या दो टर्म वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बाकी सब क्या थे, एक्स स्क्वायर था या टू एक्स था, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये इस तरह से इसमें दो टर्म हो गए, 3x, 2y, 3y, इनको नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये एक तरह से द्विपदी हो गया। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब इसके बाद आता है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक तरह से व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है, हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं, तो दो के लिए हम क्या बाइनोमियल बोलते थे, बाइनोमियल को मल्टीनोमियल या पॉलीनोमियल भी बोला जा सकता है। ठीक है, पॉलीनोमियल को मल्टीनोमियल भी कहा जा सकता है। तो इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपद की अगर डिटेल्ड हम डेफिनेशन देखें, अभी तो हमने सीखा कि दो या दो से अधिक होते हैं तो उसको हम मल्टीनोमियल या पॉलीनोमियल बोलेंगे, पर इसका डिटेल्ड में देखते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, अब ये पावर के बारे में बात कर रहा है कि जो भी वेरिएबल होंगे, जैसे कि ये पॉलीनोमियल लिखी है, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, आपका एक्स वेरिएबल हो गया, और ए ए वन ए टू ये सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर आपकी क्या होगी, नॉन निगेटिव होनी चाहिए, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, प्लस इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, मतलब 1, 2, 3 ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए पावर में, 1/2 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो फिर पॉलीनोमियल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो जनरल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 ए एन एक्स पावर एन, ये एक तरह से जनरल हो गई। अब एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि एक टर्म है कि दो टर्म है कि तीन टर्म है। ठीक है, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसमें वेरिएबल एक्स दिया हुआ है और ए वन ए टू ए थ्री को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आर रियल नंबर्स, एन इज नॉन निगेटिव इंटीजर, और एन जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है ऐसा बोला गया है, क्योंकि अगर नॉन निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो पावर में भी तो यही है, अगर ये नॉन निगेटिव नहीं होगा तो फिर ये पॉलीनोमियल नहीं रह पाएगी। तो हमें पॉलीनोमियल के केस में ध्यान रखना है कि एक तो निगेटिव इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या, इसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, मतलब इस तरह से फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ पॉलीनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं, इनको देखते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये बाइनोमियल है, इसको पॉलीनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलीनोमियल एक तरह से क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसको व्यंजक हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म और दो टर्म, इसमें दो टर्म है। ठीक है, तो टर्म भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब समझ में आता है हमको कि इसमें दो टर्म है और ये एक तरह से पॉलीनोमियल है, क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं वो सारी इंटीजर हैं और कोई निगेटिव पावर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है। ठीक है, दूसरे में आते हैं, 7x4 -3x2 5x, तो ये भी एक तरह से पॉलीनोमियल है। ठीक है, इसमें टर्म्स कितने हैं, तीन टर्म है इसमें। इसके बाद आगे वाले में बढ़ते हैं, 3x4 -7x3 3xy 8, अब इसमें कितने टर्म्स काउंट करके, फोर टर्म्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, x+1/x, तो इसमें देखने में आ रहा है कि x की पावर तो 1 है, प्लस 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x-1, तो ये जो पावर हो गई आपकी, ये क्या हो गई, ये आपकी निगेटिव पावर हो गई, और पॉलीनोमियल में कोई भी निगेटिव पावर नहीं हो सकती, तो जिस तरह से हम कह देंगे कि ये पॉलीनोमियल हमारी नहीं हो सकती। बट अगर इसमें टर्म्स की बात करें तो इसमें दो टर्म है। ठीक है, ये चीज समझ आती है। नेक्स्ट देखते हैं, 3x4 +√5x3 7x+8, तो इसमें चार टर्म है, तो इसके टर्म कितने हो गए, चार टर्म हो गए। बट इसमें क्या ये पॉलीनोमियल है, हाँ ये पॉलीनोमियल है, क्योंकि हमें पॉलीनोमियल में सिर्फ बात किसकी की गई है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सारे वेरिएबल 4 है, 3 है पावर, और x की पावर 1 है, तो सारे वेरिएबल्स में पावर हमारी इंटीजर है और नॉन निगेटिव है, इसलिए ये पॉलीनोमियल हो जाएगी आपकी। रूट 5 से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट पर रूट लगा है, ना कि पावर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x³ -3x² +4√x। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शनल पावर हो गई तो हम इसको बोलेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है, ये तीन टर्म है इसके, तो टर्म्स तो इसको हम काउंट करके तीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, और पॉलिनोमियल जैसे वर्ड है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जो नॉमियल का वर्ड मतलब होता है वो टर्म होता है, और पॉली का मतलब बहुत, तो बहुत सारे टर्म होते हैं जिसमें, उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। तो नॉमियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पद होता है या टर्म होता है। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो नॉर्मल पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल यूज किया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स में सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल्स में भी मल्टीपल वेरिएबल की भी पॉलिनोमियल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों यूज किए गए हैं, तो ये एक तरह से मल्टीपल वेरिएबल की पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स यूज किया जा रहा है टोटल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एक्स या वाई एक ही चीज यूज की जा रही, तो वो सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जांपल लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस जेड एक्स की पावर 25, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल लिखी हुई है जिसमें कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो हम इसको बोलेंगे कि सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स हैं, एक दो से ज्यादा टर्म है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बहुत क्लियरली सारी चीजें अभी तक हमने सीखी हैं, उनको अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको एफ एक्स इक्वल टू क्यों लिख दिया, क्योंकि कोई भी व्यंजक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, वो एक तरह से एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन है, और वो फंक्शन किसका है, उस वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे x है तो वो x का फंक्शन हो जाता है। अगर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 हो जाएगी। तो f1 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके उसको लिख देंगे, तो वो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक तरह से इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, बीजगणित की या अलजेब्रा की, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो एफ एक्स कहीं पे लिखा होता है तो लोग चौंकने लगते हैं, तो ये सब चीजें बिल्कुल सी नॉर्मल है कि एफ एक्स लिख दिया है, मतलब कोई भी व्यंजक हो कहीं पे नहीं लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एफ एक्स के बराबर नहीं है। एफ एक्स एक जस्ट लिखने का तरीका है कि वो एक फंक्शन है उस वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो ये समझ में आती है। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। अभी तक पावर की बात की थी कि पावर क्या होती थी, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 25 है, ठीक है। तो पावर तो एक टर्म में होती है, ठीक है, जैसे कि ये टर्म डी एक्स क्यूब है, इसमें पावर 3 है, जेड एक्स की पावर 25 है, तो इसमें पावर कितनी है, 25 है। तो पावर वर्ड जो यूज होता है वो टर्म में यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं व्यंजक का डिग्री होती है, ठीक है, जो व्यंजक होता है उसकी डिग्री होती है। तो द एक्सप्रेशन द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। व्यंजक या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल में जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम ले लेते हैं और वही हमारी डिग्री होती है। चर एक्स की सबसे बड़ी घात को बहुपद की कोटि कहते हैं, पावर जिसको डिग्री को क्या बोलते हैं, हम कोटि हिंदी में बोलते हैं। और कोटि क्या होती है, जो भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी उसकी जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होता है, उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में 25 हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 7 प्लस 3x, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। एफ एक्स इक्वल टू 7x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो हम जैसे बोल रहे हैं ना 7x की पावर 5, तो पावर इस टर्म में यूज होता है, पर अगर टोटल हमें इसके व्यंजक की या पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता करनी होगी तो वो कितनी होगी, x की पावर 5, मतलब 5 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर 5 ही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर 5 है, तो उसके हिसाब से ही डिग्री यहाँ पे बन जाएगी और वो क्या होगी, 5 होगी। कुछ और एक्सप्रेशंस को देखते हैं, व्यंजक को देखते हैं। ये व्यंजक काफी बड़े फॉर्म के हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं पूछा जाता कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, व्यंजक क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती है, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस रहता है, तभी आप एलजेब्रा की
अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक से स्टार्ट होती है, इसलिए जो अभी तक हमने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो इसकी डिग्री कितनी बनती है, पावर 3 है। अगर इसको ओपन भी कोई करता है तो पावर 3 मैक्सिमम जाएगी। तो इस तरह से हर टर्म की यहाँ पे पावर 3 है, तो हर टर्म की यहाँ पे कहेंगे कि इस व्यंजक की क्या हो जाएगी, डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें पॉलिनोमियल की तो एक तरह से पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें पावर आपकी नॉन निगेटिव है। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट व्यंजक देखें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बी सी माइनस ए, इस तरह से ये लिखे हुए हैं टर्म्स। ठीक है, तो इस टर्म में अगर देखें तो एक टर्म की अगर हम पावर कैलकुलेट करें, और ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, अगर एक की पावर देख लेते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो नीचे वाली माइनस हो जाती है। ये आपने देखा कि अगर पावर कैलकुलेट करते थे तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली क्या हो जाएंगी, 1 प्लस 2 3 हो जाएगी ऊपर, और नीचे क्या है, 2 है, तो 3 माइनस 2 करके 1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे व्यंजक की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो टोटल व्यंजक की अगर डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री हमारी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे एक वर्ड और हम इंट्रोड्यूस करते हैं, समघातीय व्यंजक। समघाती का काम क्या मतलब है, कि जिनकी घातें, जिनकी पावर सेम होती हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, उनको समघातीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे व्यंजक में पावर वही होगी, 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी। जबकि हमने देखा था पहले, थोड़ी देर पहले, कि कुछ सारे व्यंजक ऐसे होते थे जिनमें सबकी एक जैसी पावर नहीं होती थी, किसी की 5 होती थी, किसी की 2 होती थी। तो हम अगर डिग्री कैलकुलेट करते थे तो जो मैक्सिमम वाली होती थी उसको ले लेते थे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनकी सबकी पावर सेम है, और तो इनको हम क्या बोल देंगे, समघातीय व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझें, और फिर इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अलजेब्रा की। और फिर इसके बाद आप इस पे फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन पे आप जितना भी बड़ी इमारत बनाएंगे वो अच्छे से टिकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बेसिक्स को पढ़ना, अलजेब्रा में ही नहीं, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, और उन सारे स्टूडेंट्स को मैं और बोलूँगा कि जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो अगर इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनको कभी डर नहीं लगेगा किसी सब्जेक्ट से या किसी टॉपिक से। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। आगे के लेसन्स में, इस अलजेब्रा के कोर्स में, हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा कोर्स आप देखें, इसको पूरे कोर्स से अलजेब्रा को सीखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। We'll be right back.